अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल, और मैं मोहम्मद बिलाल, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और बेसिकली आज का जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आजकल काफ़ी सारे जो है ना वो यूट्यूबर जो नए यूट्यूबर हैं उनको मसले मसाइल आ रहे हैं, और उसमें वो फंसे हुए हैं कि उससे निकल ही रहे हैं, उस चीज़ से फंसे हुए हैं उसमें उस मसले में कि मैं अब देख रहा हूँ कि बहुत सी फेसबुक पे आपकी आपके इंस्टा पे आपके व्हाट्सएप पे अक्सर लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं अपनी वीडियो के, या उसके अलावा आपके जो फेसबुक पे चल रहा है सब है सबका सब इस सब इसका, तो वो बेसिकली इसमें लोग जो है वो हमारे जो नए यूट्यूबर हैं उसमें फंसे हुए हैं। और ये जो है ना ये एक लोग इसमें पड़े हुए कि जल्दी से जल्दी हमें व्यू मिल जाए, एक वीडियो लगाई 5 मिनट की तो उसमें देखते हैं कि हाँ जी वीडियो लगा के सब को लिंक शेयर कर दिया, और फिर चेक करते हैं कि यार ये कितने व्यू आ गए इसमें और कितने सब्सक्राइब बढ़ गए। लेकिन वो है ना वो टेम्परेरी है और इस लोग अभी लोगों को समझ नहीं आ रही चीज़ की और फिर फंसे हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको आज सारी चीज़ें बताऊँगा वन में वन करके, ताकि आप लोग जो हैं वो इसमें इस मसले से बच सकें और अपने आप को बेहतर जो है ना वो बेहतर यूट्यूब बन सकें। ओके, इसमें मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, और लेकिन आपने भी ये वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है वीडियो, और मैं कुछ चीज़ें वो आपको एंड पे बताऊंगा, ठीक है? आप पूरी वीडियो को पूरा देखें और इंशाल्लाह आपको इसमें उम्मीद है कि फ़ायदा होगा आप सब लोगों को। अच्छा, सबसे करंट इशू ये है कि आजकल फेसबुक पर चल रहा है सब है सब का, लोग धड़ा धड़ एक जो मैसेज कर रहे हैं सब है सब का, या 10 सब्सक्राइबर देते हैं और सब 10 लेते हैं, वो परमानेंट नहीं है। वो वक्त ही तो आपको लगता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, मिसाल के तौर पे एक नया यूट्यूबर आज उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसने वो देखा है फेसबुक पे जाके सब भी सब का, उसने उसमें मैसेज कर दिया, ठीक है? तो लोग मैसेज शुरू हो जाएंगे दूसरे को, वो कहेंगे कि एक सब्सक्राइबर ले लो एक दे दो, लेकिन वो वक्त ही तो होगा, आपकी वीडियो देख लेगा वक्त ही तौर पर, या 2 मिनट की या 3 मिनट की, उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो देख नहीं देखेगा, ठीक है? उसने तो अपना सब्सक्राइबर ले लिया, आपने भी ले लिया, आपका ही पर्पज़ वही था, उसका भी पर्पज़ वही था, लेकिन वो तो पर्पज़ तो पूरा हो गया, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखेगा, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है? तो इससे आप जो है ना वो बचें। और जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट अच्छा उसमें ये होगा कि आपके जो है वो फक्ती तौर पर तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका वो आपको पड़ा मैडम उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? वो एक दफ़ा वीडियो देख के बस आपकी जो है वो ख़त्म होगी, नेक्स्ट टाइम वीडियो को आपकी नहीं देखेगा। ऐसे ही आपके साथ भी होगा कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अपना सब्सक्राइब लेने के लिए, लेकिन आप भी किसी की नेक्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है? तो इससे ना तो आप ग्रो कर सकते हैं ना वो अगला ग्रो कर सकता है। और सपोज़ कि आपने आज के दिन वीडियो बनाई, ठीक है, और लोगों को मैसेज किया और सब सब्सक्राइब किया और एक सब्सक्राइब ले लिया एक दे दिया, ये सारा जहाँ आप खेलते रहे, उसके बाद आप सुबह दोबारा उठेंगे तो आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप हुए होंगे, फिर आप कहेंगे ओ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। लोग नहीं करते इसमें जो है ना, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यूट्यूब कर देता है और उससे आपके जो है ना सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाते हैं, और आपका वक्ती तो अभी आपके व्यूज बढ़ जाएंगे लेकिन वो परमानेंट नहीं होंगे। अब उसमें एक इसमें टिप्स है वो मैं आपको बताऊँगा एंड पे कि आप इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं, कि वो कुछ इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपने यूज़ करनी है, उससे आपका चैनल ग्रो भी करेगा, आपका वॉच टाइम पूरा होगा। फिलहाल आपने व्यूज़ के पीछे नहीं भागना, व्यूज़ के पीछे नहीं भागना। आज ही आपने एक वीडियो बनाई है, आपने अपने लिंक शुरुओं के साथ शेयर कर दिया, लेकिन वो आपका लिंक जब ओपन करेंगे आपका व्यू बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपकी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, ठीक है? उससे फिर ये होगा कि आपका वॉच टाइम कम होता जाएगा, आप वक्ती तौर पर बड़े खुश होंगे, टेम्परेरी खुश होंगे कि हाँ मेरे दूसरे इतने व्यू बढ़ गए, लेकिन उसमें से 99% ये है कि वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा नहीं, कोई एक मिनट की देख लेगा उसके बाद आपकी कोई वीडियो को नहीं देखेगा, और रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल अपना लिंक शेयर करें वो नहीं देखते रिश्तेदार, वो कहेंगे हाँ चल देखे ये लोग इतने भेड़ता होता यही कुछ करते, तो ना वो आपके रिश्तेदार आपके कहने पर आपका चैनल व्यू सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन आपकी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे इससे रिश्तेदारों से बचें तो बेहतर रहेगी आपकी। उससे ये होगा कि उसमें एक फार्मूला छोटा सा है वो आपको बता देता हूँ कि इससे जो होगा आपका वॉच टाइम भी ड्रॉप हो जाएगा, आपकी व्यू भी ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है? वो वक्त ही तो बढ़ जाएंगे व्यू, ये वक्त ही आपका जो है वो टाइम तो वॉच टाइम बढ़ेगा लेकिन वो टेम्परेरी होगा, ठीक है? आपको वक्त ही खुशी मिल सकती है इसके लिए, मतलब टेम्परेरी खुशी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसमें जो है वो नहीं कुछ फ़ायदा होगा उसका। तो उसमें थोड़ा सा एक मैं आपको बताता हूँ, टिप बताता हूँ इसके लिए कि अगर आपने अपना वॉच टाइम पूरा करना है तो
तो आप एटलीस्ट 10 से 20 अपने ऐसे परमानेंट सब्सक्राइबर ढूंढ लें, ऐसे दोस्त बना लें जो आपकी वीडियो को पूरा देखें। जैसे ही आपके कोई नई वीडियो आए, आपकी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, इससे ये होगा कि आपका वॉच टाइम तो बढ़ जाएगा और इससे ये भी होगा कि ऐसा यूट्यूब भी इसमें देखेगा कि यार ऐसा इस वीडियो में क्या है, ये जो वीडियो है ये लोग फुल देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे दोस्त बनाए। फिर होता है कि उस वीडियो की YouTube खुद मार्केटिंग करता है, क्योंकि YouTube को भी उससे पैसे मिलते हैं ना, आपकी वीडियो लोग ज़्यादा देखेंगे, आपके व्यू बढ़ेंगे और फुल वीडियो देखेंगे तो YouTube को भी इससे फ़ायदा होगा। घर सी बात, इसी से वो भी तो इसी से हम करते हैं ना, उनको मुख्तलिफ जो है वो जो कंपनीज है वो एड के लिए करती है, कंटेंट करती हैं, तो उससे उनकी अर्निंग है। जितनी लोग ज़्यादा व्यू को देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, उससे उनकी अर्निंग होती है। तो इसको आप देखें, जैसे एक बार छोटा आपको फार्मूला शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जो मैंने आपको कहा था मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। कि सपोज कि एक आपने वीडियो अपलोड की है, उसको देखा है, वो 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, 5 मिनट एक आपने वीडियो अपलोड की है वो 5 मिनट की है, और आपने उसका लिंक शेयर कर दिया, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया, अपने फेसबुक पे शेयर कर दिया, अपने इंस्टा पे शेयर कर दिया, या अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ कर दिया, ठीक है, उसका व्यू तो 100 बढ़ सकते हैं, 200 व्यू हो सकता है, 100 हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो 1 मिनट तक चलेगी, 1 मिनट तक चलेगी, मतलब 100 लोगों ने देखा है तो 100 मिनट की वीडियो देखोगी, अगर 200 लोगों ने देखा है तो 200 मिनट की वीडियो देखोगी, ठीक है, आपको वक्त की खुशी मिलेगी कि ओ यार इसके इतने व्यू बढ़ गए। लेकिन एक ये फार्मूला है आपका 100 व्यू हो गए और 100 मिनट की वीडियो आपकी देखोगे। एक ये दूसरा है कि जो एक परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा दे सकती चीज़ की, आप एक वीडियो बनाइए, आपके परमानेंट या आपके ऐसे फ्रेंड हैं या कुछ ऐसे जो है आपके जो हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में लोग हैं, उन्होंने आपकी 5 मिनट की वीडियो 10 लोगों ने पूरी 5 मिनट देखी, उससे ये होगा कि आपके व्यू तो कम हो गए, जितने लोग कम हो गए वीडियो उन्होंने पूरी देखी है, ठीक है, मतलब कि 10 लोग हैं, 5 मिनट की वीडियो है, 10 लोगों ने कितने कर दी, 50 मिनट की वीडियो वो देखी गई आपकी, ठीक है। तो YouTube इसमें देखेगा कि यार इसमें ऐसा वीडियो में क्या है कि जो लोग 10 लोगों ने इसकी वीडियो को 50 मिनट वॉच टाइम कर दिया, इसका कहाँ 100 लोगों ने देखी है तो आपका 100 मिनट का टाइम हुआ वॉच टाइम, कहाँ भी 10 लोगों ने देखी है उसका वॉच टाइम हो गया 50 मिनट। फ़ायदा किसमें हुआ, वक्त ये फ़ायदा आपको लगता है कि व्यू 100 हो गए और एक नज़र आ रहा है अब 10 व्यू है, तो फ़ायदा किसमें है, जो 10 लोगों ने 50 मिनट किए या 100 लोगों ने 100 मिनट किए, ठीक है। तो ये हर बंदा अंडरस्टैंड करता है कि यार जो 10 लोगों ने 50 मिनट ही कर दिए उसमें फ़ायदा, फिर वो यूट्यूब जो है वो वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करता है। आप अक्सर जब अपने यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, सपोज आप अपने यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको मुख्तलिफ जो वीडियो आपको टॉप रैंकिंग में मिल रही होती है तो वो कैसे आती है, यूट्यूब उनको फॉरवर्ड करता है ताकि लोग देखें, जितना लोग ज़्यादा देखेंगे उससे YouTube की अर्निंग है, उससे आपकी भी अर्निंग होगी, जैसे जब आपके वॉच टाइम पूरा हो जाएगा या आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा जो है वो एक चीज़ है, उसको आप समझें, टिप्स है ये, और इस पे अमल करें, ना कि आप व्यू पे ना भागें कि ना लोगों को अपनी लिंक शेयर करें, और आप ऐसे लोग ढूंढें जो आपकी वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें, इससे यूट्यूब जो है ना वो लोगों को फॉरवर्ड करेगा। ये एक छोटी सी चीज़ है, इससे आप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा और आप जो है ना वो एक अच्छी यूट्यूबर बन सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप थी। दूसरा ये था कि जो है आप फेक सब्सक्राइबर से बचें। आजकल बहुत जो है ना आपको लोग अप्रोच करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं कि आप जो है ये मुख्तलिफ ऐड आती है आपको कि हम आपको जो है ना वो वॉच टाइम पूरा करके देंगे मोनेटाइजेशन के लिए और आपके सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, लेकिन वो डमी होते हैं, वो फेक होते हैं। वो फेक ऐसे होते हैं कि उनका काम है कि लोगों को सब्सक्राइब बढ़ा देना। वो सपोज कि उन्हें एक 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 टीम काम कर रही है, इस पर 10 लोग हैं, उन्हें आपकी मुख्तलिफ आइडिया बनाई होंगी, उससे ये होगा कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, वॉच टाइम को पूरा कर देंगे एक दफ़ा देख के, लेकिन जब आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी ना वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना और क्लाइंट पकड़ लिया, इसके लिए उन्होंने अपना और क्लाइंट ले लिया, उससे ये होगा कि वो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना आप उनके लिए क्लाइंट थे। आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, आपके सब्सक्राइबर पूरे हो गए, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और उन्हें एक और क्लाइंट पकड़ लिया जिसपे वो आप काम कर रहे हैं, उसका भी चैनल मोनेटाइज करवाएंगे, तो लेकिन आपके फिर सब्सक्राइबर ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो में देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे आपके, ठीक है, ना आपका वॉच टाइम पूरा होगा अगली दफ़ा, ना आपके सब्सक्राइबर पूरे होंगे, फिर आप कहेंगे कि ओ यार मैं तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे अब कम हो गए,
तो ना फिर आपके वो पूरे हो गए, ना आपको वाइस टाइम पूरा होगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, डमी होंगे ना, उनको नोटिफिकेशन जाएगा ना, वीडियो देखेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसी से बचे, ये मार्केटिंग में आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये चीज़ कि लोग आपको मुख्तलिफ मैसेज आती हैं, मेल भी आती है, फेसबुक पर भी आती है, और डिफरेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें भी शेयर किया जाता है कि आप हम आपको व्हाट्सएप बुरा देंगे, आपको ये चीज़ देंगे। तो इससे आप बचें और मेहनत करें और इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे। अच्छा, दूसरा आजकल जो है एक और बड़ी चल रही है कि सलाद का बहुत आजकल नहीं है, बस सलाद की वजह से बहुत तबाह आगे हो रही है, लोगों के मकान गिर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इसको कोई एक्शन भी नहीं ले रही, बल्कि सभी अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए जो है वो पॉलिटिशन लगे हुए हैं, तो उनकी मदद नहीं कर रहा। तो सब जो है मेरी अपील है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऑफिशल से कि वो सलाद इंसान की मदद करें और उनके लिए जो है ये चीज़ देखने वाली है, वैसे सोचने वाली है कि जो ये जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आफत नहीं है, ये सलाद को आप अल्लाह की तरफ से आफत नहीं कह सकते। क्या ऐसा मतलब इसकी कोई एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं ली गई? हर दफ़ सलाब आता है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, लोग बेकार हो जाते हैं और बीमारियाँ आती हैं, और फिर हुकूमतें वही लोग करते हैं। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जहाँ जिस एरिया में सलाब आता है वहाँ पे अक्सर लोगों के पास बड़ी बड़ी जो है ना वो जो है वो सीट होती है, उनको नवाजा जाता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि हर दफ़ा बारिश आती है जब, तो उनके हालात यही होते हैं। तो गवर्नमेंट से अपील है कि इसको सीरियस ले और इसमें कुछ जो एक परमानेंट जो है ना इस पर काम करें ताकि लोग सलाब ना आए और लोग अपनी जो है जिंदगी महफूज रहें, उनके माल, उनके जो उनकी जान, उनके सारी चीज़ महफूज रहें। और अब देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट है ये भी इस पर काम कर, मतलब अपनी गवर्नमेंट बचाने में लगी हुई है, और खान साहब है वो अपने जलसे कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी, वो कह रहे हैं कि कहाँ भी जलसा, जलसे का शेड्यूल अनाउंस कर दिया कि मेरा वहाँ भी जलसा है। लेकिन फिर दूसरा बात ये होता है कि हमारे टाइगर फोर्स, हमारे फिर दूसरा ये क्लेम करते हैं हमारे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लेकिन भाई उनकी भी तो मदद करो ना। अगर आप लीडर हैं तो उनको भी आपको फ्रंट पे होकर लड़ना चाहिए, ताकि आप जब से आप साइड पर, ठीक है वो भी एक राइट है हर बंदे का, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन जब से छोड़ के करने जो ही आप साथ साथ करें इसमें मसला नहीं, लेकिन उनको फ्रंट लीड करें। आप अपने टाइगर फोर्स करते हैं कि हमारी टाइगर फोर्स है, आप जो है वो घर घर जाके हम कंपेन करते हैं वोटिंग के लिए, या जो आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं, इसके लिए भी काम करें। और मेरी अपील है कि जो है गवर्नमेंट पंजाब से या दूसरी फेडरल गवर्नमेंट से भी इस पर सलाम दिला की मदद की जाए, उनको जो उनको पूरा कवर किया, उनको पूरा जो उनके खान पीने का, खाने पीने का, उनकी रहाइश का, सब चीज़ों का उनको बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी सुख से गुजार सकें, और उनके लिए परमानेंट जो है ना उनके लिए कुछ इकदाम किए जाएँ, ताकि जो नेक्स्ट हमारी जो है सलाम ना आए और इसे दबा करें ना। थैंक यू। आप सबसे अपील है कि आप मेरा चैनल देखें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको उम्मीद है कि अच्छी लगेगी, वीडियो देखें, पूरी देखें, आपको फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब करें और बाय बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।